बसमील रन रिम्ल आहमद अल्कुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज हिफ़्ज़मान में रखे बेटा मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम एक्सरसाइज़ नंबर टू पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर वन से सिक्स हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर वन पॉइंट वन से लेकर वन पॉइंट फाइव सिक्स तक जो है रिव्यू एक्सरसाइज़ वन तक वो भी कर चुके हैं हम लोग ठीक है इसके अलावा मैथमेटिक्स की और बहुत से यूनिट्स जो हैं सिक्स के हवाले से वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ साइंस के वीडियो लेक्चर्स भी बेटा आपके यहाँ पर अवेलेबल है सिक्स क्लास की पूरी बुक के साइंस की वीडियो लेक्चर जो एस एन सी की बुक है उसके एम सी क्यूज उसके एक्सरसाइज के सॉल्व क्वेश्चन सारे मैं अपलोड कर चुका हूँ ठीक है बेटा वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो बेटा ये चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सेवन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इंटीजर विद करेक्ट साइन आपने यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए वन और टू आपने इनको इंटीजर की फॉर्म में लिखना है और विद करेक्ट साइन लिखना है ठीक है अब देखें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है अब इंटीजर्स बेटा क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं देखें ये मेरे पास एक नंबर लाइन है मैं आपको थोड़ा सा इंटीजर्स का कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ सबसे पहले नंबर लाइन पर देखें ये जीरो है राइट right साइड पे हमारे पास प्लस वाली वैल्यूज होती हैं प्लस वन प्लस टू आगे प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव लेफ़्ट पे होती है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री आगे एरो का मतलब ये आगे चलती जाती है अनलिमिटेड राइट साइड पे भी अनलिमिटेड लेफ्ट साइड पे भी यानी जीरो और प्लस माइनस वाली वैल्यू सारी क्या कराती है हमारे पास इंटीजर्स कराती है अब हमने इनको इंटीजर की फॉर्म में शो करना है अब देखें फोर्टी एट डिग्रीज़ कूलर यानी ठंडा फ़ोर्टी एट डिग्रीज कूलर है तो इट मीनस कि ये जीरो के लेफ्ट साइड पे आएगा ठंडक है इसमें तो हम इसको लिखेंगे माइनस फोर्टी एट इंटीज़ की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो माइनस फोर्टी एट दिख देंगे ठीक है इतनी सी बात है दूसरा क्या है हमारे पास 48 डिग्रीज़ वार्मर वार्मर यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर है प्लस में टेम्परेचर है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे प्लस फोर्टी बस ठीक है तो ये दो हमारे पास क्या आ गए इंटीजर्स की फॉर्म में हमने इन दोनों को लिख लिया क्वेश्चन नंबर एट देखिए आइडेंटिफाई द कुरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स टू द ईच इंटीजर गिवन ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन आपने ये जो ए बी सी डी अल्फाबेट्स दिए हुए हैं इनको आइडेंटिफाई करना है कि किस इंटीजर पे ए लिखा हुआ है किस पे बी किस पे सी और किस पे डी देखिए आइडेंटिफाई द कुरस्पॉन्डिंग पॉइंट टू द ईच इंटीजर गिवन ऑन द नंबर लाइन अब देखें मैं इंटीजर्स पहले पूरे करता हूँ यहाँ माइनस फाइव से स्टार्ट हो रहा है और प्लस फाइव तक जा रहा है यानी माइनस फाइव के बाद माइनस फोर फिर माइनस थ्री है आगे माइनस टू होगा फिर माइनस वन जीरो ज़ीरो के बाद प्लस वन प्लस टू और प्लस थ्री अब देखें प्लस वालों के साथ उसने साइन नहीं लगाया यानी प्लस के साथ साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती ठीक है बेटा अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अब बात हो रही थी जो हमारे पास ये ए वाले की बात थी ठीक है तो सॉरी बी वाला बी वाला कौन से इंटीजर पे आ रहा है बी माइनस फोर पर आ रहा है ठीक है माइनस फोर इंटीजियर को शो कर रहा है डी वाला जो है माइनस टू को जी वाला वन और आई वाला थ्री ठीक है बेटा तो ये हम लोगों ने बस आइडेंटिफाई करना था कि ये अल्फाबेट कौन से इंटीजर के सामने आ रहा है ये बी वाला माइनस फोर पे डी वाला माइनस टू पे बेटा क्वेश्चन नंबर नाइन देखें लिखा हुआ है ड्रा नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट ऑन इट आपने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है और उस पर ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको रिप्रेजेंट करना है जस्ट बस अब यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा करने के लिए सबसे पहले आपने क्या चीज़ देखनी होती है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है हमारे पास माइनस थर्टीन है ये नंबर लाइन हमारी माइनस थर्टीन से लेके सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है पॉजिटिव में देखें प्लस सिक्स तक जा रही है यानी माइनस थर्टीन से पीछे माइनस फोर्टीन से भी अगर हम स्टार्ट करें तो माइनस फोर्टीन से प्लस सिक्स या प्लस सेवन तक हमारी नंबर लाइन होनी चाहिए ठीक है माइनस फोर्टीन से स्टार्ट करेंगे सेवन तक फिर उस पर हम ये, ये नंबर जो है ये शो करेंगे ठीक है आप सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं बेटा सबसे पहले देखिए मैं नंबर लाइन ड्रा करने लगा यहां पर आपके सामने यहां से यहां तक ठीक है यहां से लेकर यहां तक स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से पहला पॉइंट ठीक है और हम लोगों ने I से पॉइंट लगाने 21 हमारे पास पोर्शंस होने चाहिए तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो छोटे-छोटे पोर्शंस -छोटे बनाएंगे ताकि तकरीबन सारे क्या हैं हमारे पास सारी वैल्यूस पूरी हो जाएँ ठीक है हम I से पॉइंट लगा लेते हैं छोटे-छोटे वन -छोटे इस तरह से कोशिश करनी है देखने में बिल्कुल बराबर नजर आए ठीक है थोड़ा सा फर्क का कोई इशू नहीं है लेकिन बराबर हो अब देखें यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हम लोगों ने पहला ये था हमारे पास फिर ये फिर ये थोड़ा सा इनको गाढ़ा कर देता हूँ ताकि नज़र आए आपको अब यहाँ पे देखें ये इन पर मैं अब नंबर लाइन पे नंबर लिखूँगा मैंने आपको कहा था कि स्टार्ट हमारे कहाँ से होंगे माइनस फोर्टीन से हम स्टार्ट करते हैं तो तकरीबन सेवन तक होना चाहिए माइनस फोर्टीन यहाँ लिखता हूँ मैं फिर आगे माइनस थर्टीन माइनस ट्वेल्व ठीक है फिर माइनस इलेवन माइनस टेन माइनस नाइन माइनस एट माइनस सेवन माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ज़ीरो प्लस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन तक मैं सेवन तक कहा था चलो नाइन तक मेरे पास जगह बन गई नाइन तक लिख लिए अब हमने नंबर्स को शो करना है सबसे पहले ज़ीरो को शो करना है जीरो कहाँ पे है यहाँ पे है तो हम लोग यहाँ पर ज़ीरो को शो कर देंगे थोड़ा सा इस लाइन को बड़ा कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या है ज़ीरो है ठीक है उसके बाद फिर माइनस एट है तो माइनस एट कहाँ पर है ये है माइनस एट इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ऊपर की तरफ करके यूँ एरो का हम लिख देते हैं माइनस एट ठीक है इस पॉइंट को हम सर्कल भी कर सकते हैं सिक्स है आगे सिक्स को हम सर्कल कर सकते हैं सॉरी सिक्स पॉजिटिव है तो ये वाला ठीक है ये सिक्स आ गया हमारे पास फिर आगे क्या है थ्री वाला है थ्री वाले को हम शो करेंगे पॉजिटिव थ्री यहाँ पे है तो इस थ्री पे यूँ लाइन लगा के तो ये हमारे पास थ्री हो गया फिर माइनस इलेवन है माइनस इलेवन ये देखें यहाँ पे है ना माइनस इलेवन ये वाला माइनस इलेवन माइनस इलेवन पर इसको थोड़ा सा लाइन लगा के माइनस इलेवन ठीक है उसके बाद क्या आगे माइनस थर्टीन है वो ये है तो माइनस थर्टीन वाले को शो करते हैं हम लोग ये माइनस थर्टीन तो ये हमारे पास सारे पॉइंट्स नंबर लाइन पे शो हो गए ऐसे ही नंबर लाइन पे हमने इन पॉइंट्स को भी शो करना है नीचे वालों को भी शो करना है देखिए बेटा इसके लिए सबसे पहले हम छोटा नंबर देखते हैं सबसे छोटा माइनस इलेवन है और सबसे बड़ा प्लस एट है यानी कि माइनस ट्वेल्व से आप स्टार्ट करें लाइन और पॉजिटिव पे नाइन तक ले जाएं यहाँ तक आपकी लाइन होनी चाहिए माइनस ट्वेल्व से पॉजिटिव नाइन तक तो सेम जो ऊपर लाइन लगाई है उसी तरह से हमारे पास लाइन आएगी नंबर लाइन मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ नंबर लाइन को ठीक है यहाँ से शुरू करते हैं और हमारी यहाँ तक आ जाएगी ठीक है अब यहाँ से हमने स्टार्ट की तो यहाँ तक पहले हम लोग थोड़ा सा इसको बराबर कुछ इस हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं उसके बाद फिर हम मैनुअली कर लेंगे पहले स्केल से कर लेते हैं एक पॉइंट यहाँ लगा लेते हैं दूसरा पॉइंट तकरीबन यहाँ लगा लेते हैं तीसरा तकरीबन यहाँ लगा लेते हैं ठीक है तो ये वन टू थ्री इस तरह से हम लोग तकरीबन बराबर लाइन लगा लेंगे मैं लगा के फिर आपको आगे दिखाता हूँ ठीक है बेटा ये लाइनें मैंने आपके सामने लगा ली अब आप लोगों ने स्टार्ट करना है माइनस ट्वेल्ल से तो माइनस ट्वेल्व मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस ट्वेल्व ठीक है फिर माइनस इलेवन माइनस टेन माइनस नाइन माइनस एट माइनस सेवन माइनस सिक्स फिर माइनस फाइव माइनस फोर फिर इसके नीचे माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ज़ीरो फिर उसके बाद पॉजिटिव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और इलेवन ठीक है तो ज़्यादा हो जाए मुश्किल नहीं है कम से कम हमारा एट पॉइंट यहाँ पे शो होना चाहिए था ठीक है तो नाइन टेन एलेवन ज़्यादा हो गए मसला नहीं है हम लोगों ने शो एट को करना है अब देखें सबसे पहले थ्री है पॉजिटिव थ्री को शो करना है हम लोगों ने तो पॉजिटिव थ्री हमारा ये है तो इसको यहाँ से थोड़ा सा लाइन बढ़ा के तो ये थ्री हो गया हमारे पास फिर आगे एट एट यहाँ पर है तो यहाँ से लाइन को थोड़ा सा बढ़ा के ये हमारे पास क्या आ गया एट आ गया फाइव है तो फाइव ये है तो फाइव वाली लाइन को थोड़ा सा बढ़ा के हम यहाँ शो कर देंगे ये फाइव है नंबर लाइन्स पर खाली इन पॉइंट्स को शो करना है माइनस इलेवन है तो माइनस ये माइनस टेन हो गया ये माइनस इलेवन तो माइनस इलेवन यहाँ पर आ जाएगा माइनस इलेवन फिर आगे कितना है माइनस फाइव है तो माइनस फाइव ये वाला है तो इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा के ये माइनस फाइव आगे कितना है बेटा जी माइनस सॉरी माइनस सेवन है तो माइनस सेवन ये वाला लास्ट जो हमारे पास नंबर है इसको शो करना है तो इस सारे नंबर्स हम लोगों ने क्या कर दिए नंबर लाइन पे शो कर दिए आसान है बेटा नंबर लाइन पे शो करना चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जी तो बेटा देखें क्वेश्चन नंबर टेन क्या है राइट ऑपोजिट फॉर द फॉलोइंग इंटीजर्स बेटा ऑपोजिट क्या होता है उल्ट यानी कि जिस तरह हम लोग इंग्लिश में नहीं करते बॉय गर्ल ठीक है ही शी इस तरह यहाँ पे इंटीजर्स में ऑपोजिट क्या करेंगे जो पॉजिटिव वाला है इसका ऑपोजिट नेगेटिव वाला हो जाएगा जो नेगेटिव वाला है इसका ऑपोजिट पॉजिटिव वाला हो जाएगा कैसे ये फोर्टीन है तो ये फोर्टीन प्लस फोरटीन है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा माइनस फोटीन माइनस ट्वेंटी फोर है इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा प्लस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर के साथ कोई साइन ना लगा हो तो ये प्लस ही होता है प्लस सिक्सटी फाइव था ये देखिए कोई साइन नहीं है ना तो इसको माइनस सिक्सटी फाइव लिख देंगे इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा माइनस सिक्सटी फाइव उल्ट माइनस थर्टी नाइन है तो प्लस थर्टी नाइन तो बेटा ज़ीरो के लिए खास बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये ज़ीरो का अक्सर बकस, बच्चे अब ये देखें यहाँ साइन कोई भी नहीं है बच्चे कहते हैं ये प्लस है तो माइनस जीरो कर देते हैं तो जीरो के साथ प्लस माइनस कोई साइन नहीं होता नंबर लाइन पे भी मैंने आपको दिखाया था ज़ीरो दरमियान में होता है तो ज़ीरो का अपोज़िट भी ज़ीरो ही होगा माइनस टू है तो माइनस फोर ट्वेंटी का अपोज़ि प्लस फोर ट्वेंटी कोई साइन नहीं लगेगा तो प्लस फोर ट्वेंटी ठीक है बेटा जी जी तो बेटा यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करने आइडेंटिफाई का कर, मतलब है पहचान करें द इंटीजर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स इन नंबर्स में से कौन से इंटीजर्स हैं उनको उठाना है आपने सबसे पहला प्लस ट्वेल्व है ये तो इंटीजर है ठीक है उसको उठा कर हम यहाँ लिख देते हैं प्लस ट्वेल्व फिर माइनस ट्वेंटी वन पॉइंट फोर पॉइंट फोर आ गया ये डेसीमल है हमारे पास इंटीजर नहीं है ये माइनस सेवनटीन ये इंटीजर है ठीक है ये होल की फॉर्म में इंटीजर नहीं है ये भी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन ही नहीं ये होल भी होता है मिक्स फ्रैक्शन होती है तो ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन है इंटीजर नहीं है ये पॉइंट की फॉर्म में आ गया यानी डेसिमल है इंटीजर नहीं है ये भी डेसिमल है प्लस ट्वेंटी सिक्स हमारे पास इंटीजर है नेक्स्ट फिर आगे माइनस फिफ्टी सेवन इंटीजर है और जीरो जो है हमारे पास ये क्या है इंटीजर्स है तो ये हमारे पास इन नंबरों में ये इंटीजर्स थे अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है हमारे पास ट्वेल्व में देखिए क्या कह रहे हैं हादी हैज़ रिपीज ट्वेल्व इन हिज पॉकेट हादी के पास उसकी जेब में ट्वेल्व रुपीज़ हैं बट नीलम गिवज़ हिम रुपीज़ फोर नीलम ने उनको कितने पैसे दिए चार रुपये दिए रुपीज़ फ़ोर एंड हमज़ा गिज़ हिम रुपीज़ थ्री और हमज़ा ने उनको कितने पैसे दिए तीन रुपये हाउ मच मनी हादी हैज़ इन ऑल हादी के पास टोटल कितने पैसे हैं शो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन ऑन द नंबर लाइन सारे इन्फॉमेशन को नंबर लाइन पर शो करना है सबसे पहले देखें सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे हादी हैज़ रुपीस इक्वल टू ट्वेल्व हादी के पास कितने पैसे हैं बारह उसकी पॉकेट में नीलम गिव हिम रुपीस फोर नीलम गिव हिम मतलब हादी को नीलम ने पैसे दिए कितने नीलम गिव हिम रुपीस फोर तो टोटल कितने हो गए आदि के पास ट्वेल्व प्लस फोर इक्वल टू सिक्सटीन रुपीस फिर एंड हमज़ा गिव हिम हमज़ा ने भी उसको पैसे दिए हमज़ा गिव हादी रुपीज़ थ्री हमजा ने हादी को तीन रुपए दिए तो अब टोटल हादी के पास कितने हो गए पहले सिक्सटीन थे सिक्सटीन में प्लस थ्री और ऐड करेंगे तो हादी के पास नाइनटीन रुपीज़ हो गए तो इन तीनों वैल्यूज़ को आपने शो करना है नंबर लाइन पे तो सिंपल सी नंबर लाइन ड्रा करते हैं हम लोग इन तीनों वैल्यूज़ को शो कर देते हैं आसान सा काम है पहले नंबर लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पर हम लोग नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं ठीक है इस तरह करके हम लोग यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो आपको नज़र आए जो कैमरे के अंदर अंदर जो जगह है वहाँ पे मैं नंबर लाइन ड्रा कर देता हूँ ठीक है बेटा यहाँ से यहाँ तक अब हमें सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं ट्वेल्व सिक्सटीन नाइनटीन हमें नेगेटिव की तरफ जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और हमने जाना नाइनटीन तक है ठीक है तो देखिए यहाँ पे फिर मैं स्केल को रखता हूँ जिस तरह पहले हमने नंबर लाइन ड्रा की थी पिछले क्वेश्चन में उसी तरह यहाँ पे भी शुरू में कुछ पॉइंट्स लगा लेते हैं पहला ये हो गया नाइन्टीन तक जाना तो फिर वही छोटे छोटे पॉइंट्स लगाएंगे दूसरा ये हो गया ठीक है तीसरा ये हो गया ठीक है ये तीन पॉइंट्स हो गए इनको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ इस तरह करके अब इससे आगे हम आई से लगा लेते हैं यहाँ पर फिर इस तरह फिर यहाँ पर आगे ठीक है इस तरह लगाते जाएंगे और हमारे पास जो है वो नाइनटीन पॉइंट्स बन जाएंगे तो ज़ीरो से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग ज़ीरो सबसे पहले ठीक हो गया उसके बाद ये वाला सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं ना पैसे हैं हमारे पास तो वन टू थ्री इधर ज़ीरो के इस तरफ नेगेटिव नंबर्स हैं आगे फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू तक हो गया ठीक है अब सबसे पहले आदि के पास कितने पैसे थे बारह रुपीस थे आदि के पास कितने थे बारह ये सबसे पहले उसके पास कितने थे आदि हैज़ ट्वेल्व रुपीस बारह रुपए थे उसके पास फिर कितने हुए सोलह बारह में चार एड हुए बारह में कितने ऐड हुए चार हम इसको यूँ शो कर देते हैं नंबर लाइन को आगे से यूँ करके यहाँ पर आगे चार ऐड हुए ठीक है प्लस फोर हुआ तो हारे पास कितने हो गए अब यहाँ पे पहुँच गए ये कितने हो गए हमारे पास सिक्सटीन रुपीज़ हो गए सिक्सटी में मज़ीद तीन ऐड हुए तीन रुपये और ऐड हुए तो हम तो कहाँ पहुँच गए नाइनटीन पे पहुँच गए ठीक है प्लस थ्री रुपीज़ और एड हुए हम कहाँ पहुँच गए नाइनटीन पे पहुँच गए ठीक है तो ये नाइनटीन पर हम लोग तो यहाँ पे शो कर देंगे नंबर लाइन पर नाइन्टीन रुपीज़ तो ये हमारे पास पहले ट्वेल्व रुपीज़ थे प्लस फोर ऐड हुए सोलह रुपये हो गए उसमें तीन रुपये और ऐड हुए तो हमारे पास नाइनटीन रुपीज़ हो गए इस तरह आपने इसको नंबर लाइन पे शो कर देना है तो बेटा ये, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा क्वेश्चन थर्टीन है हमारे पास डिस्क्राइब एंड शो योर पोजिशन ऑन नंबर लाइन आपने अपनी पोजिशन को नंबर लाइन पर शो करना है कौन सी पोजिशन को कहता है अगर आप कहाँ पर खड़े हैं शुरू में इफ़ यू बिगिन एट एट अगर आप एट पॉइंट पे खड़े हैं और आप नंबर लाइन पे मूव कर रहे हैं मूव राइट एट स्टेप्स आप राइट right साइड पे जाते हैं कितने स्टेप्स एट स्टेप्स एंड देन मूव लेफ्ट और फिर वहाँ एट स्टेप्स जा कर दोबारा वापस लेफ्ट साइड पर एट स्टेप्स आते हैं तो आपकी पोजिशन क्या होगी देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ खड़े हैं यहाँ से आप एट स्टेप्स यहाँ गए राइट साइड पे वहाँ से वापस एट स्टेप्स आप वापस लेफ्ट साइड पे आए देखें ये लेफ्ट साइड आपकी हो गई ये राइट साइड होगी पहले आप यहाँ थे ना एट पे एट से आप एट स्टेप्स राइट साइड पे गए वहाँ से वापस एट स्टेप्स वापस पीछे आए तो आपकी पोजीशन क्या होगी जहरी बात है पोजीशन आपकी तो वही होगी जहाँ से आपने स्टार्ट किया था इसको नंबर लाइन पर शो करना है हम लोगों ने ठीक है तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं तो नंबर लाइन ड्रा करने का तरीकाकार वही है जो पहले मैंने आपको बता दिया है लास्ट क्वेश्चन में तो यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ नंबर लाइन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ तक ठीक है आप एट पे खड़े हैं और एट से राइट स्टेप्स गए हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इस नंबर लाइन को ठीक है ज़ीरो से स्टार्ट कर लेते हैं ज़ीरो हम यहाँ रख लेते हैं ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा ठीक है फिर आगे ये वन ये टू ये थ्री ठीक है वन टू थ्री वन ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन और एटीन तक कर लेते हैं ठीक है बेटा जी अब देखें इसको हम नंबर्स लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले ज़ीरो वन टू ठीक अब देखिए मैंने नेगेटिव नंबर क्यों नहीं लिखे लिखे बेटा उसने कहा कि आप एट पे खड़े हैं हमें एट वाला नंबर चाहिए तो हमें पॉजिटिव नंबर इनफ हैं जीरो लिखे हैं और आगे मैंने यहाँ ये एरो डाला है इस एरो का मतलब ये कि इधर आगे जाएँ तो नेगेटिव नंबर ही आएंगे हमारे पास फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन और एटीन ठीक है बेटा जी अब देखें कह रहा है कि सबसे पहले इफ़ यू बिगिन एट एट अगर आप एट पे खड़े हैं यहाँ पे अगर आप खड़े हैं यहाँ एट पे इस जगह पे अगर आप खड़े हैं मूव राइट एट स्टेप्स यहाँ से राइट right साइड पे यूँ इस राइट right साइड पे आप एट स्टेप जाते हैं ये एक स्टेप दो स्टेप तीन स्टेप चार पाँच छः सात आठ आठ, आठ स्टेप्स आप क्या के यहाँ बनेंगे ठीक है तो आप यहाँ से मूव करते हैं एट से मूव करते हैं आप जाते हैं एट स्टेप्स राइट साइड पर यहाँ तक यहाँ पे आते हैं आप एट स्टेप्स एट स्टेप्स राइट ये आपने एट स्टेप्स लिए राइट साइड पर फिर यहाँ पे आप पहुँच गए यहाँ पहुँच के आप दोबारा वापस वही एट स्टेप्स लेफ्ट साइड पे दोबारा आते हैं वापस यानी यहाँ से आप दोबारा वापस एट स्टेप्स आते हैं कहाँ पे लेफ्ट साइड पे दोबारा वापस एट स्टेप्स आके यहीं पे पूरे होंगे इसी पोजीशन पे तो एट स्टेप्स पहले आप पॉजिटिव साइड पर उधर गए यानी राइट साइड पर फिर दोबारा वापस एट स्टेप्स आप लेफ्ट साइड पर अब आपकी पोजिशन कौन सी है पोजिशन तो आपकी वही है ठीक है सो योर पोजिशन इज स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर यू बिगिन तो आप इसका आंसर यहाँ पर यह लिख भी सकते हैं इफ वी मूव या इफ वी बिगिन एट एट यानी एट पे हमने अगर स्टार्ट किया ठीक है एंड वी मूव Eight steps towards right and then move eight steps towards left, then our position is same. और पोसन क्या होगी सेम होगी फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट जहाँ से हम लोगों ने क्या किया था स्टार्ट किया था ठीक है बेटा जी ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपका चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखें वन सबा वो कप जब सबा उठती है सुबह जागती है हर टेम्परेचर वाज, वाज वन जीरो वन डिग्री फॉरन हाइट उसका टेम्परेचर कितना होता है वन जीरो वन ये जो लिखा होता है ना बेटा इस तरह से ये डिग्री का साइन होता है और साथ में एफ ये डिग्री फारेनहाइट हाइट यानी टेचर टेम्परेचर की यूनिट है ये डिग्री फारेनहाइट है उसका टेम्परेचर कहते हैं दो घंटे बाद आफ्टर टू आवर्स लेटर इट वाज फोर डिग्री फोर डिग्री फारेनहाइट लोअर उसका टेम्परेचर वहाँ से यानी चार डिग्री कम हो जाता है वापस वट वाज़ हर टेम्परेचर देन तब उसका टेम्परेचर कितना होगा देखें तो आप लिखेंगे लिखिए वन में हम लोग लिखते हैं वेन सबा वो कप हर टेम्परेचर इक्वल टू वन जीरो वन डिग्री फॉरन हाइट जब सबा उठती है उसका टेम्परेचर कितना होता है वन जीरो वन डिग्री फॉरन हाइट ठीक है आफ्टर टू आवर्स दो घंटे के बाद आफ्टर टू आवर्स टू आवर्स लेटर इट वॉज़ फोर डिग्री लोअर आफ्टर टू आवर्स इट्स टेम्परेचर सॉरी हर टेम्परेचर बिकम्स फोर डिग्री फॉरन हाइट लोअर यानी चार डिग्री कम हो जाता है तो हर टेम्परेचर अब उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा हर टेम्परेचर वाज नाउ वन जीरो वन डिग्री फॉरन था पहले उसमें से फोर डिग्री फॉरन कम हो गया माइनस हो गया तो अब उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा वन जीरो वन से फोर माइनस करेंगे तो सिंपली नाइन्टी सेवन डिग्री फॉरन उसका टेम्परेचर आ जाएगा सो दिस इज़ द आंसर बेटा बेटा इस क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा दुआओं में याद रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा खुश रहें आबाद रहें अल्लाह हाफिज़